हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, टुडे इज 14th ऑफ नवंबर। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीबॉडी आउट देयर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल कि आज वो दिन फाइनली आ चुका है कि हम जा रहे हैं बूट कैंप। बूट कैंप कहने में अजीब सा लगता है, हम जा रहे हैं गेमिंग हाउस, जीएच जा रहे हैं हम अपना मुंबई। 3 महीना करीब होने वाला है, अगले 6 दिन में 3 महीना हिट हो जाता, 3 महीने, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यस 3 महीना हो जाता। लेकिन फाइनली सारा काम, सब कुछ जो प्लानिंग था, सब कुछ हो गया है। नाउ हम लोग जो है आज रात 12 बजे निकलने वाले हैं गेमिंग हाउस के लिए, एंड रियली एक्साइटेड, क्योंकि मैं अभी 3rd को वापस आऊँगा, लेकिन अभी जो 20 दिन होने वाले हैं उसमें बहुत सारे शूट्स अलाइंड हैं SATUL के, जो कि बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं। बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग SATUL के चैनल पे वीडियोस आने वाली हैं जो हम क्रिएटर्स मिलके करने वाले हैं। ये पहले से लीक दे रहा हूँ मैं, सो स्टे ट्यून्ड, अगले 1-2 हफ्तों में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। लेकिन खैर, अभी के लिए वी आर ऑल पैक्ड, पैकिंग हमारी फुल ऑन हो चुकी है। ये वाला मैं पहले से ही पैकिंग कर लिया था, ये वाला सूटकेस अपना पूरा कपड़े से भरा हुआ है, वो वाला हैंडबैग जिसमें सिर्फ अपने शूज़ ले जा रहा हूँ और कुछ शूज़ छोड़ के जा रहा हूँ, एक फॉर्मल है और ये LV के जो हमारी स्लीपर्स थी। तो अभी के लिए ऑल सेट है, स्ट्रीम मैंने लगा दिया है, आज अभी ऐसे 12 5v5 वैलोरेंट होने वाला है। बहुत ही अमेजिंग सा एक थंबनेल आया मेरे पास, कहाँ गया, ये रहा, यस तुम्हारे भाई का चिल्ड्रेंस डे है आज, तो चिल्ड्रेंस डे के लिए तुम्हारे भाई का थंबनेल गजब सा। वैसे तो मैं अभी खाना खा के आ चुका हूँ, सब कुछ मैं बिल्कुल प्री प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गेमिंग हाउस जाने के लिए। बहुत दिन बाद सब लोगों से जाके मिलेंगे, एंड इस बार मैं बहुत हाइप्ड और पम्प्ड हूँ कि मुझे इस बार जाके बहुत अच्छे से काम करना है, ब्लॉग करना है, वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है, स्ट्रीम करना है, सब कुछ, जो कि मैं नहीं कर रहा था। यू नो द रीज़न, पिछले ब्लॉग में मैंने बता दिया था, नहीं देखा है तो जाके देखना कि मैं क्यों इतना एब्सेंट था, आई वॉज फीलिंग लो, पूरा अच्छे से विस्तार से समझाया। तो अभी देखो किसी का कमेंट आया इस थंबनेल पे, व्हाट द फक, जबरदस्त थंबनेल है, मजा आया, गुड वर्क गुड वर्क। जल्दी हाय टू द व्लॉग करो, क्योंकि तुम उनमें से होगे जो देख रहा होगा क्या कहते हैं व्लॉग, सो से हाय टू योरसेल्फ गाइस, यस दैट्स द थिंग, ये यो। लेकिन गाइस, जाने से पहले एज यू नो कि मैं हमेशा लुक्स एंड एवरीथिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, मतलब ऑब्वियसली हर कोई देता है, एंड यू नो अपार्ट फ्रॉम द लुक्स एंड वॉट यू वेयर, इम्पॉर्टेंट होता है कि हाउ यू स्मेल एज वेल, कि जब आपके पास लोग हैं एंड एवरीथिंग, तो हाउ आर दे फीलिंग अराउंड यू, क्योंकि जब आप अच्छा स्मेल कर रहे होते हो तो पीपल वॉन्ट टू बी विद यू। सो आज हम लोगों के पास बहुत ही अमेजिंग लाइनअप है, हमारे पास मामा अर्थ का ऊद है परफ्यूम, वाइट मस्क, एक्वा एज वेल एज फ्लोरल, इतना अमेजिंग लाइनअप है, बट मैं एक्वा प्रेफर करूँगा आज। यू नो ऊद, जो कि आप लोगों को पता है, इट इज़ एन एस्केप फॉर अरब, नाम से ही ऊद, मतलब आप लोगों को जिनको नहीं पता है, तो ऊद बेसिकली अरब ओरिजिन होता है, उसमें वैसा टच होता है। वाइट मस्क, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इट इज़ अ लाइट ब्लेंड ऑफ लैवेंडर एज वेल एज मस्क एंड फ्लोरल, नाम से ही पता लग रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको अच्छा सा खुशबू आएगा, फ्लावरी टच होगा एंड एवरीथिंग, बट मुझे आई डोंट नो, मुझे इंटरेस्ट इसी तरीके के उसमें परफ्यूम्स में आता है, एक्वा, जो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होते हैं, एंड आई डोंट नो, मैं स्मेल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट हाँ आई लाइक दिस काइंड ऑफ स्मेल, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, लेकिन बहुत ही भीने भीने से हो, लेकिन अमेजिंग लगे। सो अभी हम चलेंगे एंड जल्दी से ये लगा के वी आर गोना गेट रेडी। सो गाइज, मामा अर्थ का वाइट मस्क परफ्यूम गिव्स यू द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश लिली ऑफ द वैली एंड सेंचुअल मस्क, विच अवेकन्स यू एंड लीव्स अ लाइट टच ऑफ लैवेंडर एंड मस्क, वेयर एज जो फ्लोरल परफ्यूम है, इट गिव्स यू अ डिलाइटफुल मेमोरी ऑफ रिसीविंग सरप्राइज फ्लावर्स एट योर डोरस्टेप, वेयर एज ऊद इज एन एस्केप टू अरब, इट्स वुडी स्मेल इज रिच विद नुआंसेस रेंजिंग फ्रॉम लेदर, अर्दी एंड स्वीट टू स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस। साथ ही साथ जो मामा अर्थ के हमारे परफ्यूम्स हैं, दीज आर नेचुरल फ्रेग्रेंस एंड विच लास्ट अप टू 12 आवर्स, एंड दे आर मेड सेफ सर्टिफाइड, एंड सबसे बड़ा पॉइंट, दे आर 100% वीगन।
सो गाइज, अगर आपको अभी मामा अर्थ का ये ऑसम परफ्यूम एंड साथ ही साथ जो मैंने बाकी के परफ्यूम दिखाया है वो अगर आप लोगों को परचेज करना है, सो यू कैन बाय दीज फ्रॉम मामा अर्थ की एप्लीकेशन एज वेल एज उनकी वेबसाइट। ऑल्सो दीज आर अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड Nykaa। बट अगर आपको 20% एक्सक्लूसिव ऑफ चाहिए तो जब आप जाना और ये खरीदना तो चेकआउट के बाद मामा अर्थ की वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पे कोड यूज करना MAMA2022, जिससे आपको एक्सक्लूसिव 20% ऑफ मिलेगा। एज वेल एज एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि मोस्टली आप लोगों को हमेशा बताया था कि आप लोगों को हमेशा याद रहे, दैट मामा अर्थ इज प्लानिंग टू प्लांट मोर देन 1 मिलियन ट्रीज बाय द एंड ऑफ 2025। वर्क इस तरीके से करता है कि जब भी आप मामा अर्थ की वेबसाइट एंड एप्लीकेशन से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, दे लिंक योर प्रोडक्ट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, उसका जियोलॉजिकल लोकेशन, स्पीशीज एंड एवरीथिंग वहां पे मेंशन हो जाता है, सो दैट यू नो कि हाउ यू आर एडिंग टू मदर नेचर। ऑल्सो मामा अर्थ का एक गुडनेस इनसाइडर प्रोग्राम है, जो कि एक लॉयल्टी प्रोग्राम है क्राफ्टेड फॉर एवरीवन आउट देयर। उससे आपको फ्री शिपिंग, फ्री गिफ्ट्स एंड आपको फ्री ऑफर्स जो कि सेल होती है कभी कभी, उसके बारे में आपको पता चलता रहता है। सो अगर आपको गुडनेस इनसाइडर बनना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। सो गाइज याद रखना, मामा 2022 ओनली ऑन मामा अर्थ की वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, एंड ये ऑसम परफ्यूम जो कि सच में ऑसम है, एक्वा तो मुझे सच में ऑसम लगा, इसको जल्दी परचेज करना, मेरी कैब आ गई है। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. So guys, फाइनली द चेकिंग डन एवरीथिंग, अब हम चल रहे हैं अपने प्लेन की तरफ। लेकिन हाँ, मुझे इस बार लगता है कि फुल वाइब होगा इस बार, अच्छा खासा विल सी वहाँ पे कैसा सिस्टम, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी हम लोग चलते हैं एयरक्राफ्ट की तरफ एंड अपनी सीट पकड़ते हैं, विंडो सीट ले ली है तुम्हारे भाई ने एज ऑल। Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. क्या हाल है गाइस? हम तो आ गए गेमिंग हाउस, लेकिन सब लोग सो रहे हैं अभी, तो हम भी लगे हंस सो जाते हैं। मत करो बदन तो है रे पूछी, तुमने तो बोला अभी शर्ट खोल के आगे लेटो, तत साले आगे शुरू हो गए तुम। इस बार हम खत्म ही नहीं होंगे, शुरू तो बहुत दूर का बात है। तुम्हारा पता नहीं 3 दिन तक तो तुम्हारा जेट लैग रहेगा अली, जेट लैग भाई तक का। हाँ तो भाई 12 घंटे का सफर है, जेट लैग नहीं होगा ऐसे अलीगढ़ से सफर करके आते, इसको जेट लैग हो जाता है। कैसा बेदिल आदमी है बे तुम, बदतमीज आदमी है। फिर 3 दिन बाद भी तुम दोपहर 4-4 बजे शाम को आएगा उठ के, तुम पूछेगा यार मामा आज उखड़े उखड़े से लग रहे हो, स्लीप डिप्राइव्ड है। क्या बताऊं, नींद नहीं हो पा रही। नहीं नहीं, स्लीप डिप्राइव्ड है। इंस्टाग्राम में बायो में लिख दो, ऑलवेज स्लीप डिप्राइव्ड। 14 प्रो मैक्स कब लिया मामा? ले लिए थे कुछ दिन पहले। क्या बात कर रहे हो, ऐसा लाइफ में मेजर अपग्रेड हो जाता है तुम बताते भी नहीं हो। तुम बता रहे हो कुछ नहीं, मेरे तो कुछ ऐसा खास मेजर अपग्रेड हुआ नहीं है। मेजर अपग्रेड लास्ट यही था कि मैं कल नहाया था। लाल लाल आंखों से आपको पता लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल नींद पूरी नहीं हो गया, फट गई है मेरी। जल्दी जल्दी ब्रूस करो, ब्रूस करके ऊपर ऊपर में शूट है। टक पे ओके आता हूं। सर गाइस, ये ऐसा मेरा स्वागत है। क्या हाल है मामा, हाउ आर यू? आपको कैसा लग रहा है गेमिंग हाउस में? पहली बार आया हूं मैं एक्चुअली, 10 दिन के लिए रहने, और इससे पहले 10 दिन का क्रैश कोर्स है आपका इस बार का। हाँ मतलब समझ लो, अगर जब तक भाभी जी नहीं आते गांव से तब तक मैं यही हूँ। अच्छा हाँ, वो क्या सिखाया था?
यू आर भाई, वेलकम वेलकम भाई, कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग, स्नैक्स भाई इन द एसीटीएल गेमिंग हाउस, लेट्स फकिंग गो। तैयार देखो हमारे लौंडे कैसे हो गए, हां देख लो, नहीं तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि लड़की अपनी घर की बेटी की विदाई होने वाली है, भरपूर पैकिंग वैकिंग चल रही है, खतरनाक। अभी तुम्हें मेगा क्लियरेंस दिखानी है, अभी जब गोल्डी भाई किसी दिन बैठते है ना तो यहाँ पे बहुत बड़ी सेल होती है। आई एम अ वेरी इमोशनल सेंटिमेंटल पर्सन, तो मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे सराउंडिंग के लोगों के लिए उतना ही उससे ख्याल करे, क्योंकि मतलब मेरा हमेशा से ये ट्रेट रहा है कि मैं मतलब रिलेशनशिप तो मेरे पास्ट में भी रहे लेकिन मैं उससे ज्यादा दोस्तों को प्रेफरेंस हमेशा से देता था। मतलब तो मैं, ऐसी कोई लड़की मतलब जो दोस्त भी हो जाए, मतलब दोस्ती नहीं हो गई, कोई तो अच्छा भी स्वीट नाइस यस बस, और कुछ बाकी वो उसको बताऊंगा, बाकी उसको बताऊंगा, ये सब कुछ में होना चाहिए। सो गाइस अभी ऐसे ड्यूल का शूट जो है भारी भरकम तरीके से डन हो चुका है, तो 5:15 बज रहे हैं अभी, खाना हमारा भयंकर जबरदस्त तरीके से, दिस इज आलू पराठा राजमा एंड चावल हम खाएंगे जबरदस्त तरीके से, और ये खा के फिर उसके बाद आज माफिया का बर्थडे है गाइस, तो आज जो है हम लोगों का डिनर का वो सीन है साथ में करने का, लेट्स सी खाने में क्या मंगवाता है वो। एंड सोच रहा हूँ मैं कि मैं सिडराय के साथ शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन लेट्स सी क्या सीन है क्या नहीं है, अगर नीचे के वहाँ के बेड खाली रहेंगे तो फिर मैं सिडराय के साथ शिफ्ट हो जाऊँगा, क्योंकि ऊपर ना हवा नहीं आती गाइस, करंट रूल के हिसाब से ऐसे ड्यूल के लोग जो है सब साथ में खा रहे हैं टेबल पे, बहुत टाइम बाद मजा आ रहा है एक्चुअली, वेरी गुड। और ये अननोइंगली हो गया, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि अरे अब रूल आए ऐसे ऐसे यहाँ खाना है, खुद ही सब बैठते चले गए। ये अच्छा है, ये अपनी ही बर्थडे पार्टी के लिए का खाना खाने के लिए नमक का पानी पी के बैठे हैं। नमक का पानी तो क्या होता है, पेट और खाली हो जाता है तो हालत इनकी बहुत खराब है। मछली बाहर क्या कर रहा है पानी में भाई, कभी कभी ज़ेरेफ मुस्कुराता है तो वो लगता है यार, वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो स्काई, मुस्कुराइयो जरा मुस्कुराइयो, अरे है ना, अरे ये देखो कल का कमेंट देखना, कमेंट सेक्शन देखना जरा भाई, पूरा वो आकाश लग रहा है भाई। गाइस देखने आया हूँ मैं मेरे मंदिर को, इन्होंने कैसा रखा है, देखो जैसा था मैंने जैसा भाई, तो कह रहा हूँ मैं जैसा छोड़ गया था वैसा ही रखा है, ये तो नहीं कि अच्छे से छोड़ देते, मतलब मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी में सामान छोड़ा था, पूरा कचरा बना के रखा हुआ है, मतलब ये मेरी पहली GTRP की स्ट्रीम पे पहना था मैंने, ये गमछा भी आज तक वहीं पड़ा हुआ है हरामजादे भाई, मैं आपके सामान कैसे छीट सकता हूँ, आप बोलोगे साइड में कर देते यार, अंदर से अच्छे शेप में आपको मैं 5/10 देता हूँ, 5 for keeping it like that and -5 कि इसको improvise नहीं करा, improvise क्या करें आप, हम आपके natural है, अभी HyperX का है मेरा डब्बा, यहाँ थोड़ी देर कहाँ है HyperX, उधर है बैग में, अच्छा नहीं नहीं जब ले गए तो डब्बा भी ले जाओ, मैं क्या करूँ, मतलब हटा दो, नहीं अभी नहीं है, मतलब हटा दो, थोड़ी देर बाद आता हूँ, अच्छा थोड़ी देर बाद आते हैं, ठीक है ठीक है दादाजी, चलिए एडिट करके मेरा इमेज तूने मीम बना दिया, तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया, मतलब एक तरीके से डिवाइन को इंडिया की आधी से ज्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द जनता बाथरूम में याद ही करती होगी, यार और क्या, मतलब पॉटी नहीं आती है, गाइस माफिया का बर्थडे सेटअप इज ऑन पॉइंट, और सारे बच्चे बैठ चुके हैं पहले से, ये देख लो, ओए नहाए अबे ये अरे नहाया 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 नहाया, माफिया का बर्थडे याद रहेगा, हां भाई सब लोग ये खा रहे थे, तो आदि को चैलेंज दिया एक शेजवान चटनी का चम्मच जो अगर ये खा लेगा तो मैं इसको लाख रुपया दे रहा हूँ, रुक रुक
पूरा भर के हैं, 1 लाख ज्यादा नहीं दे रहे बराबर, आप किसी की सुनना मत, पचास हजार तो रखो यार, पैसे के लिए थोड़ी कर रहा था, पैसे के लिए नहीं कर रहा था, पैसे के लिए नहीं कर रहा, लेकिन कुछ 10,000 की दवाई पड़ जाएगी। क्या करना है सुनो, क्या करना है, एक बाउल का आधा बाउल 50,000, एक चम्मच 10,000, करेक्ट करेक्ट, मामा 50 कर दो प्लीज, ठीक है चल, तो फिर तो एक्सक्लूसिव, तू मैं बता रहा हूं, तू चम्मच में निकालो सीधा इसके मुंह में डालो, अच्छा शीट में सीधा आकर आकर रुक जाओ, हां भाई मूवमेंट है यार, सांस लेने दो, सांस मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है, एक सेकंड एक सेकंड, कितने का डील है, 25 का 50 का 50 का, मामा आपने टेस्ट करिए, मैं तो हाँ खाया था ना, कितनी तीखी लगी आपको, ठीक वो ये तीखी होती है, हाँ तो क्या मीठी होती है बेवकूफ, तो मैं तेरे को बता दे, खट्टी वट्टी कुछ तो होगी, देखो तेल आया है, खट्टी क्यों होगी, मोमोज के साथ, मोमोज के साथ तू, मोमोज के साथ तू खट्टी साथ खाता है, चलो शेजवान को, चलो 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 50,000 एक चम्मच ओची निकाल मुंह में डाल, खाएगा भाई बहुत ठीक होता है, जल्दी कर जल्दी कर, फिर मैं हां अब मैं फुटेज नहीं खा रही, फुटेज नहीं खा रही, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, वो डील का कान फट रही है क्या, फुटेज खा रहा हूं इधर, ये देख लो गाइस क्या बोला इसने, अभी पूरा खाना है, 6 5, एक बार में गल्प कर दे, 4 अंदर मार दे सीधा, आकर सीधा अंदर मार ले, आकर मिर्ची ले, ट्रस्ट मी, कहां 100% भाई डील खत्म कर दूंगा भाई, मैं इतना इतना फुटेज मत खा यार, 20% ठीक है, आकर सीधा कर दूं, आकर 1 चलो भाई ये शेड्यूल 5v5 का टाइम हो गया, बोला था ना डील थोड़ी थी, पैसे भी नहीं थी, 25,000 बोला था ना, 50 बोला था मामा, इसी भाई भाई बोला इसी ने 50 बोला था ना भाई, मजे की बात ये सब लड़के मुझे लिया था मामा, कल सुबह कल सुबह इतना दिन से हमको छेड़ रहे ना तुम, कल शोले भड़ गए क्या बोर्ड में, आज का दिन बहुत ही फन था, कल का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है, कल हमारा एक बाहर ऐसे ड्यूल का शूट होने वाला है, वो हम लोग करने जाएंगे, ऑब्वियसली उसका भी थोड़ा सा व्लॉग होगा, कल एक और स्पेशल डे है एक चीज़ की वजह से, एंड आज भी एक शूट था जोकर का, वो इनकम्प्लीट हो गया, उसको मैं और स्नैक्स और जोकर मिलकर पूरा करेंगे, एंड यस आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट कि जो है स्नैक्स और इस जोकर बहुत ही प्यारा एडिशन है हमारी फैमिली में, एंड बहुत मज़ा आएगा बाकी सब लोगों के साथ जब ये पूरी टीम बन रही है, अब और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी बाय द टाइम, क्योंकि जोकर और स्नैक्स अभी नए हैं, एंड मतलब स्नैक्स तो पुराना है, हम लोग ऑल दो 8-bit क्रिएटर्स में था लेकिन उसको ऑलरेडी भाई की तरह मानने लग गए थे, बट अब वो फुल फ्लेज SATL में है तो अब और मज़ा आएगा, एंड बंदा बहुत बहुत अच्छी बात है कि SATL में आते ही वो बूट कैंप आ गया, सो यस मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, सो यस अभी आज के लिए गाइस इतना ही, आई होप आप लोगों को व्लॉग में मज़ा आया होगा, आदि का बहुत ज़बरदस्त हम लोगों ने फिरकी मारी है, कुछ दिन में हम गोवा जाने वाले हैं, आई गेस तुम लोगों को पता होगा क्यों, भाई बहुत मज़े होने वाले हैं, अपन प्रैंक की जो ट्रेन है ना उसको बढ़ाते चले जाएंगे और लोगों के साथ भी जो है फिरकियाँ लेते रहेंगे, इसी तरीके से प्यार देते रहना, प्यार नहीं दे रहे हो तो अब देना शुरू कर देना, क्योंकि तुम्हारे भाई ने दृढ़ निश्चय कर लिया है ऑसम हो जाने का पूरी तरीके से, मिलते हैं गाइस कल दोबारा नए व्लॉग में, अंटिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय गाइस।